एक ड्रोन जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है इसके लिए, तो सर उसको देख करके, क्योंकि एंटी टेरर विंग यूनिट वो फोर्स है एनर्जी, तो सर उसको देखते हुए क्या एनर्जी के पास उसका तैयार है? यस, आज के दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ड्रोन्स का थ्रेट है, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पे कई ड्रोन्स जो है ना देश के बॉर्डर को आईबी को क्रॉस करके आर्म्स ड्रॉपिंग में, ड्रग्स ड्रॉपिंग में इस्तेमाल किया गया है, और कई ड्रोन्स हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बीएसएफ ने, आर्मी ने गिराए भी हैं दुश्मन देश के। तो इसमें एनएससी की भी काबिलियत है, हमारे पास सिस्टम है कि ड्रोन को एयर में आइडेंटिफाई किया जाए और उसको न्यूट्रलाइज किया जाए या उसको काबू किया जाए। श्रीनगर में कुछ टाइम पहले एनएसजी को डिप्लॉय किया गया, सर अभी क्या प्रिपरेशन है, क्या उसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, आगे स्ट्रेंथ बढ़ाने का चल रहा है? श्रीनगर में पिछले करीब 1.5-2 साल से हमारा स्मॉल हब है, फंक्शनल हब है ट्यूलिप के नाम से, और किसी भी हालात में उसकी ज़रूरत पड़ेगी आसपास में तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी हर सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी है।